हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडवांस बुकिंग कल की मूवी। जी हां दोस्तों, और इस मूवी का रिव्यू भी आ चुका है, तो कैसी है मूवी इसके बारे में बात करेंगे हम। और जी हां दोस्तों, आज इसकी एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई बेंगलुरु में। जी हां दोस्तों, स्टार्ट होते ही इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, ओनली 1 आवर में इसने कमाल कर दिया। मैं कह सकता हूँ ये मॉर्निंग की बात है, इसने 1 घंटे के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे के अंदर 30 से 35 लाख की एडवांस बुकिंग की। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके जो एडवांस बुकिंग पहुँच चुकी है लगभग 1 करोड़ ओनली बेंगलुरु में। जी हाँ दोस्तों, आपको शौक लगेगा देखिए कि भाई अभी कुछ ही जगहों पे लिमिटेड एडवांस बुकिंग हुई है शुरू। और हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी की जो एडवांस बुकिंग हो चुकी है अभी तक, वो अभी मैं बता रहा हूँ 50 से 60 लाख की। जी हाँ दोस्तों, 50 से 60 लाख की एडवांस बुकिंग हिंदी में हुई है। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तू कम बता रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ। अगर हम पूरा जोड़ के बताएंगे जैसे कि केरला की और कर्नाटका की, और तो इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग हो गई है टोटल, वो लगभग 7 करोड़ की। जी हाँ दोस्तों, टोटल अगर हम बात करेंगे बेंगलुरु कर्नाटका जहाँ जहाँ एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो लगभग 7 करोड़ की इसने एडवांस बुकिंग कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एडवांस बुकिंग खुली है इस मूवी की, मतलब कमाल के नंबर हैं। और मैं बात करूं जहां पे सबसे ज़्यादा शौक लगने वाला है, वो जगह है नॉर्थ अमेरिका। जी हां दोस्तों, आरआर का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस मूवी ने, धमाल कर रही है। और मैं कह सकता हूं उसे ने 2 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं प्रीमियर वाले शो के दिन के। जी हाँ दोस्तों, कमाल कर दिया है इस मूवी ने। कल की मूवी एडवांस बुकिंग भाई बहुत बेहतरीन कर रही है। और मैं कह सकता हूँ अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डे वन इसका ओपनिंग का मैं कह रहा हूँ 200 करोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़ का भी नंबर आ सकता है, तो कुछ कम ज़्यादा कह सकते हैं, मगर मैं ज़्यादा उम्मीदें रख रहा हूँ कि शायद 200 करोड़ ये मूवी डे वन में कमा सकती है। तो दोस्तों, उमेर सिंधु आपको पता है ओवरसीज़ का ये बंदा अपने आप को बोलता है कि इसने मूवी देखी और जो रिव्यू दिया इसने ओनली 2 स्टार। जी हाँ दोस्तों, कल की मूवी इसने देखी और बोल रहा है कि भाई इसका जो प्लॉट है बहुत स्लो है और ना ही इस मूवी के अंदर एंटरटेनमेंट है, और बहुत ही जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको लॉस होने वाला है कल की मूवी से। जी हाँ दोस्तों, उमेर संधू के ये वर्ड हैं सीधे सीधे कि इस मूवी को में एंटरटेनमेंट नहीं है, प्लॉट इसका बहुत स्लो है और डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत शॉकिंग से झटका लगने वाला है, क्योंकि मूवी बहुत, कि आप कह सकते हो बहुत ख़राब मूवी है, उनके ये शब्द हैं। तो मैं पहले बताया आपको, इंडिया में ये जब सेंसर बोर्ड की जब ये मूवी को दिखाया गया था, तो भाई साहब स्टैंडिंग ओवेशन मिला था इस मूवी को, और 4 स्टार मैंने आपको बताया था मूवी को मिले थे। मगर ये बंदा जो उमेर संधू है, ये भाई अपने आप को ओवरसीज यानी कि दुबई का सेंसर बोर्ड का मेंबर बोलता है, तो कई बार इसके जो रिव्यू होते हैं वो ठीक चले जाते हैं। जैसे कि फलार मूवी को इसने 3 स्टार दिए थे, तो और भी नई मूवी आई थी जैसे कि रक्षाबंधन, उसका भी इसने रिव्यू सही दिया था। और इस मूवी को, कल की मूवी को 2 स्टार देना, मैं कह सकता हूँ यार शौक की बात तो है, देखते हैं क्या होता है। मगर यहाँ पे एडवांस बुकिंग में इसने धमाल मचा दिया है, और आज और कल ये धमाल ऐसा करेगी कि मैं कह सकता हूँ रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ जाने वाला है ये तो भाई जब टोटल एडवांस बुकिंग के नंबर आएंगे तब पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभास एक बार फिर आ चुके हैं मैदान के अंदर फला के बाद, और ये रिकॉर्ड तोड़ भाई एडवांस बुकिंग है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।